हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूनिटी। यूनिटी क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है इननेट यूनिटी, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। एक होती है एक्वायर्ड यूनिटी, जो कि स्पेसिफिक होती है। इननेट यूनिटी जो होती है सिंस बर्थ होती है, यानी जन्म से पहले होती है। एक्वायर्ड यूनिटी जो होती है जन्म के बाद होती है। ये फिर फर्दर टू टाइप्स के होता है। एक होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव को फर्दर टू टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल। जैसे नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि जैसे कोई एक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है, तो कोई इन्फेक्शन के कारण हमारी बॉडी अपने आप से जो बना लेती है इम्यूनिटी रहती है, उसे लड़ लेती है। तो उसी नेचुरली होता है, अपने आप से लड़ लेती है। लेकिन बॉडी काम करके बना रही है तो एक्टिव हो गया। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? जैसे कि हम कोई वैक्सीनेशन वगैरह करा लिए, हमने क्या किया, वैक्सीनेशन कराया, फिर उससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी तैयार कर रही है अपने आप से, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। पैसिव भी पूर्ण दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल में जैसे IgG IgA, ये एक प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं जो प्लेसेंटा एंड कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? ये मिल्क में पाया जाता है, पीला 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 जो होता है दूध, तो उसमें कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है। आर्टिफिशियल जो होता है वो एंटी सीरम होता है। आगे इम्यूनिटी की एक डिफिनीशन है, द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज और अदर पोटेंशियल डैमेज फॉरेन बॉडीज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। किससे? द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो डिजीज काजिंग हमारे ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन आएंगे मारेंगे, फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की एक डिफिनीशन और है, उसको समझें क्या है। एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट। हमारे होस्ट की जो एबिलिटी है फाइट करने की, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज काज करेंगे उससे लड़ने की जो क्षमता होगी वही हमारे बॉडी की क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दोस्तों जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी और सेकेंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। क्या है इननेट इम्यूनिटी, आइए जानते हैं। इननेट इम्यूनिटी कह रहा है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है, इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। एंड पहले हमने बताया कि नॉन स्पेसिफिक होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बर्थ ऑफ टाइम, जो बर्थ के समय से ही पहले से ही हमको प्राप्त रहता है, मिला रहता है। आगे शुरू करें, दिस इज एकम्प्लिश्ड बाई प्रोवाइडिंग फोर टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इन टू आवर बॉडी। एकॉम्प्लिस्ट का मतलब क्या होता है कि निपुण होता है। ये इम्यूनिटी जो होती है निपुण होती है अपने किस मकाम में, बैरियर क्रिएट करने में, मतलब हमारे बॉडी को बचाने में बहुत ही निपुण होती है। इसमें चार फैक्टर हैं, चार चीज़ें जो होती हैं हमारे बॉडी को बचाने में मदद करती हैं। कौन कौन से हैं ये जानते हैं। पहला होता है फिजिकल या एनाटॉमिकल फैक्टर। सेकेंड आपका होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर बैरियर। एक होता है सेलुलर बैरियर और चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर। तो एक एक शुरू करते हैं, सबके बारे में जाना। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। ये क्या है? ये दो है, एक होता है स्किन और एक होता है, सेकंड होता है म्यूकोसा। ये दो फिजिकल एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं हमारे बॉडी में। तो स्किन हमारे बॉडी से कैसे बचाती है हमको देखिए, स्किन ऑन योर बॉडी इज मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन जो होती है हमारी बॉडी को क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें बैक्टीरिया वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के या माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उससे हमारी स्किन बचाती है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है इसका जो पीएच डिस्ट्रॉयड होता है, मतलब 3 से 5 pH का अगर रहेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं तो फिर दूसरे को सौंपेगा, है ना। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा स्किन है, यहाँ पे पैथोजन आ रहे हैं,
और ये क्या होगा, देखिए पैथोजन आया लेकिन नहीं जा पाया अंदर, फिर उसको लौटना पड़ा। देखिए पैथोजन आ रहे हैं चले जा रहे हैं, पैथोजन आ रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसे देखिए पैथोजन आ रहे हैं चले जा रहे हैं, है ना, पैथोजन आ रहे हैं चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आगे म्यूकोसा लेयर क्या है, ये क्या करती है, म्यूकोसा कंटेन म्यूकोसल सेल एंड सीलिया। म्यूकोसा में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकोसा का, वो पाया जाता है उस सेल में। म्यूकोसा मतलब चिपचिपी सेल होती है वो, और उसमें क्या पाया जाता है, सीलिया। सीलिया क्या होती है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होती है। आगे समझते हैं, म्यूकोसल कोटिंग ऑफ इपिथीलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी। अब कह रहा है कि जो म्यूकोसा कोटिंग होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपकी रेस्पिरेटरी जहाँ लाइनिंग में पाई जाती है, यानी कि जिस रास्ते से हम सांस लेते हैं, हवा हमारी जिस रास्ते से पास होती है उसके रास्ते में क्या क्या पड़ता है, म्यूकोसल सेल कोटिंग पड़ती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है वहाँ पे रास्ते में पड़ती है, और यूरोजेनाइटल ट्रैक जो हमारा है वहाँ पे भी ये लेयर पाई जाती है। अब ये लेयर कैसी होती है, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए आप बाल लाइक एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक सीलिया है, और ये जो चिपचिपा एक जेली लाइक पदार्थ दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं म्यूकोसा। अब इसमें क्या होता है कि ये जेली लाइक पदार्थ में देखिए बैक्टीरिया वायरस कैसे फंस जाते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजन होते हैं फंस जाते हैं, ये चिपका लेता है। और सीलिया भी कहीं कहीं पाई जाती है, सीलिया कैसे मदद करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए यहाँ पे कैसे पास नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ लीजिए एक तरीके का जंगल है, और ये चिपचिपा है तो ये चिपका के अपना काम कर लेता है, ये फंसा लेता है, तो दोनों अपने इस तरीके से पैथोजन होते हैं, पैथोजन को मारता है। आगे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड है। फिजियोलॉजिकल बैरियर किसे कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर वह बैरियर होता है, सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी क्रिएट एडवर्स इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमारी जो फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने वाले हमारे शरीर के अंदर, उनको एडवर्स इन्वायरमेंट देता है, यानी कि उनके रहने के योग्य ना हो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। उसके लिए हमारी बॉडी क्या क्या प्रोसेस करती है ये समझते हैं। फीवर आ सकता है हमको, हमारी बॉडी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है जिसे हम फीवर कहते हैं, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोजन। मतलब टेम्परेचर का जब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, यानी रुक जाती है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, पीएच जो होता है हमारी बॉडी का वो चेंज हो, अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, जैसे एसिडिक पीएच ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ओरल कैविटी स्टमक विजाइना सबका अलग अलग क्या होता है, पीएच होता है, तो अपने तरीके से मान लेते हैं। जैसे स्टमक में एससीएल पाया जाता है, ओरल कैविटी में लार पाया जाता है जो, तो उसका पीएच सबका अलग अलग होता है। कुछ हमारी बॉडी सिक्रीट करती है जैसे टीयर्स इन द आई, आई के अंदर जो हमारी आँख है उसके अंदर टीयर्स जो होते हैं, सेबम जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये क्या, लाइसोजाइम क्या करता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करता है। आगे हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर क्या है, ये ऐसे सेल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं उसे हम कहते हैं सेलुलर बैरियर। अब ये दो होते हैं, एक होता है फैगोसिटिक और एक होता है नॉन फैगोसिटिक सेल्स, दो तरीके की होती हैं। फैगोसिटिक सेल कौन सी होती हैं, वे सेल इन रेस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन टू टोटल काउंट ऑफ WBC इन बॉडी इंक्रीज। कहने का मतलब जैसे जैसे पैथोजन यानी कि जो बीमारी काज करने वाले बैक्टीरिया वायरस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आएंगे उसी हिसाब से जितना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा हमारी बॉडी क्या करेगी, WBC का सिक्रीशन उतना तेज कर देगी, यानी कि नंबर ऑफ WBC हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है फैगोसाइटोसिस इज एक्सिबिट बाय द सम टाइप ऑफ WBC, सर WBC आर कॉल्ड फैगोसाइट। कुछ WBC जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका फैगोसाइट करते हैं, यानी कि देखें कि ये हमारे बिरादरी का नहीं है, ये फॉरेन है, यानी कि बैक्टीरिया वायरस ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ पे रहेगा, तो वो WBC क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। अब फैगोसाइट का मतलब ही होता है वह सेल जो किसी को खा जा दूसरे सेल को खाती हैं उसको बोलते हैं फैगोसाइट सेल्स। फैगोसाइटोसिस कैसे होता है इसके लिए वीडियो का लिंक अलग से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैगोसाइट्स आर मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स जो WBC होते हैं, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस कराते हैं। सेकेंड है जैसे कि और एग्जाम्पल में इसके, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, और भी कुछ हैं जैसे मोनोसाइट्स हो गया, PMNL न्यूट्रोफिल जो होते हैं यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो होते हैं, और मैक्रोफेज आपने पढ़ ही लिया, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है। आगे नॉन फैगोसिटिक सेल्स कौन सी होती हैं, यानी कि वो तो क्या करती है, खाके ख़त्म कर देती है, ये खाती नहीं है, ये मार के वैसे ही छोड़ देती है। कैसे मारती है ये देखते हैं, इट इज़ ए लार्ज ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द फैगोसाइट अनदर टाइप ऑफ सेल कॉल्ड नेचुरल किलर सेल सेल किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल ऑफ बॉडी बाई क्रिएटिंग पोरिन्स। एंड आगे क्या कह रहा है, पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल वाट आर इंटर थ्रो दीज पोर्स काजिंग स्वेलिंग एंड ब्रस्टिंग ऑफ द डिजीज काजिंग सेल्स। इसका एक शॉर्टकट में समझ लेते हैं, ये क्या करता है कि जहाँ पे ट्यूमर सेल है या कहीं भी जो सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहा जाता है कि वहाँ जाके छेद कर देता है, छोटे छोटे क्या कर देता है, छिद्र कर देता है, यानी पोर्स क्रिएट कर देता है। उससे क्या होता है, वाटर इंटर थ्रू दीज पोर्स, क्या होता है कि वाटर उसके अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, जिससे वो फूलने लगता है, स्वालिंग होने लगती है उसमें, यानी जैसे गुब्बारे में ज़्यादा पानी भर देते हैं तो फूलने लगता है, और इसके बाद क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, धीरे धीरे छेद के थ्रू पानी जाने लगता है और उसके बाद वो फूल कर फट जाता है, तो डिजीज सेल जितनी भी होती हैं। तो ये एक होता है फैगोसिटिक सेल्स, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक फेगोसिटिक एक नॉन फेगोसिटिक, जो हमारी बॉडी से हमारी रक्षा करते हैं, एक क्या करता है खाता है और एक क्या करता है सीधे मारता है गोली। आगे एक खाता नहीं है, नेक्स्ट आपका आता है जैसे नॉन फेगोसिटिक कौन से होते हैं, वो नेचुरल किलर सेल होते हैं। आगे साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, साइटोकाइन बैरियर वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरन। साइटोकाइन बैरियर वायरस इन्फेक्टेड सेल, जितने भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं वहाँ, जैसे जिस सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो करते क्या है, एक सिक्रीट करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं अपने बचाव के लिए ताकि हम बच जाएं। तो उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरान, है ना, जो क्या करता है, जैसे कि नॉन इन्फेक्टेड सेल है, जब इंटरफेरान का सिक्रीशन हो जाता है तो बाकी जो मान लो इन्फेक्टेड हो गया तो ठीक है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टेड है वो बचा रहे, है ना, ये नहीं कि उसको भी इन्फेक्शन हो जाए, तो वो बचाने के लिए, मतलब नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने, इन्फेक्टेड को तो जो है वो अपना बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, इंटरफेरान को सिक्रीशन करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरान। अब ये इंटरफेरान क्या वाला है ये देखते हैं, इंटरफेरार एन एंटीवायरल प्रोटीन, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि एंटीवायरल होता है। ये जो होता है 270 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, स्टिमुलेट द एडजेसेंट सेल टू प्रोड्यूस द ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एडजेसेंट सेल टू प्रोड्यूस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है ना। अब इसका शॉर्टकट में हमने लिखा है टिप, इसका एक ट्रिक बना सकते हैं, गाना जैसे है टिप टिप बरसा पानी, तो इससे भी आप बना सकते हैं कि इंटरफेरन किसका प्रोड्यूस करता है, कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन यानी टिप टिप बरसा पानी। आगे थैंक यू वेरी मच, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया इननेट इम्यूनिटी, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।